विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार राजनीतिक दल सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच तीसरे मोर्चे के तौर पर भी कई पार्टियां उभर कर सामने आई हैं, जो खुद को उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस से बेहतर विकल्प बता रही हैं। इंडिया जनशक्ति पार्टी ने अपने 28 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही जनता के लिए हक पत्र की सूची जारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह अंजना ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में जनता की पहली पसंद बने हैं और उपचुनाव में 10 सीटों पर विजय पा रहे हैं। 28 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और पार्टी किसान और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की जो हालत है उसमें एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी की जरूरत थी। क्योंकि आज अब बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस, तो हम नहीं मानते कि दो हैं, क्योंकि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, बीजेपी को राज करवाइए। इसलिए आज इंडिया जनशक्ति पार्टी की जरूरत है लोगों को और इंडिया जनशक्ति पार्टी अपनी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। जी, हम लोग बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई मध्य प्रदेश की सबसे बढ़कर है, सभी राज्यों से ज़्यादा महंगा आज मध्य प्रदेश है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। राइट टू रिकॉल और स्वयं पर पालिका जो हम लोग लाना चाहते हैं, उसी के लिए पार्टी चुनाव लड़ेगी। 28 मध्य प्रदेश में उपचुनाव